सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज एक बड़ी खबर आई थी गुड न्यूज से जुड़ी हुई, वो ये थी कि एडवांस बुकिंग इस फिल्म की शुरू हो चुकी है। ये खुद अक्षय कुमार, दिलजीत दोसांझ, करीना कपूर और कियारा आडवाणी ने एक वीडियो में साफ कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था वीडियो में कि 22 तारीख से इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। लेकिन आपको बड़ी बात बता देता हूं, 22 तारीख से नहीं, 20 तारीख से ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। लिमिटेड वे में ही सही, लेकिन शुरू हो चुकी है, क्योंकि मैं दिल्ली का हाल देख रहा था, चाणकपुरी में तो काफी हद तक कुछ शोज काफी अच्छे फुल हाउस भी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट फुल हाउस नहीं, ठीक है। मुंबई में भी एडवांस बुकिंग शुरू है, पुणे में भी एडवांस बुकिंग शुरू है, जितने भी नॉर्थ साइड के सर्किट्स है वहां पर लिमिटेड एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, साउथ साइड में पूरी तरह शुरू नहीं हुई है। तो ये एक चीज साफ है कि दबंग भी रिलीज है, चालू है, अब लोग देख रहे हैं, लेकिन गुड न्यूज की भी जो एडवांस बुकिंग है वो भी बहुत तेजी से होने लगी है। लेकिन मैंने आई थिंक इस तरह का ट्रेंड कभी नहीं देखा था कि फिल्म की एडवांस बुकिंग अगर कही जा रही संडे को तो वो फ्राइडे से ही शुरू हो जाए। आई थिंक मुझे नहीं पता इसमें क्या ट्विस्ट है, क्या टर्न है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो शायद गुड न्यूज को भी अलॉटेड स्क्रीन है जो अभी दिखाई जा रही है वो मे बी आई थिंक दबंग थी तक रहनी चाहिए थी, और जब फिल्म रिलीज होने वाली रहती है गुड न्यूज तो वेनसडे से काफी हद तक स्क्रीन आ जानी चाहिए थी दबंग, दबंग थी के पास से गुड न्यूज के पास। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि दबंग थी रिलीज ही हुई है आज और इसका स्क्रीन काफी हद तक गुड न्यूज को मिल गया है, तो कुछ आई थिंक स्क्रीन को लेकर जरूर एग्जीबिटर्स का खेल चालू है गुड न्यूज और दबंग थी को लेकर, ये तो बात साफ लग रही है मुझे। अदरवाइज जो एडवांस बुकिंग संडे को जो कही जा रही थी फ्राइडे की, वो फ्राइडे को ही नहीं चालू होती, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 दिन पहले एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है गुड न्यूज की। फिलहाल कितने खुश है कि इसकी एडवांस बुकिंग लिमिटेड वे में शुरू हो चुकी है और गुड न्यूज के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शाम को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।